पानी स्प्रे करना है। इस तरीके से लेना है हाथ पे। आप हमारा ही सोप क्यों ले, लोग बोलते महंगा है, 100 रुपए का एक सोप बहुत महंगा है, महंगा है वाकई। यहाँ दूसरे सोप कितने के मिलते हैं? 10, 20, 15 ऐसे मिलते, ठीक है। तो उसके सामने हमारा सोप बहुत महंगा है, लेकिन हमारा सोप आप कितना भी यूज करोगे पिघलता नहीं है, ठीक है। वैसे के वैसे, बल्कि हम लोग सोचते हैं कब पिघलेगा, सब कब खत्म होगा, हम दूसरा सोप निकालेंगे। हम नहाते भी इसी से है क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है, और ये बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए। जिसको शेव करना है वो भी इस तरीके से करके पूरे चेहरे पे लगा के शेव कर सकते हो। शेव करने के बाद फिर से लगा के 15 मिनट छोड़ सकते हो, ठीक है। बाजार के जो सोप है वो आपके 4 आपको यूज होंगे, हमारा एक सोप हमारे लिए 1 महीना, अगर फेस वॉश करें तो 2-3 महीना चला जाता है, ठीक है। हम तो नहाते इसी से, तो हमको 2 सोप 1 महीने के लिए हमको जरूरी है। हम लोग के घर में यही सोप यूज होता है। तो शेविंग क्रीम भी आप यूज कर सकते हो, अगर ज्यादा काम निकालना है तो गैनो ऑयल डाल के भी आप इसको कर सकते हो। इसको लगाने का तरीका ये है, आप इस तरीके से हमको लगाना है। बहुत सारे लोग पाम से लगाते हैं, दिस इज रॉन्ग, ओके, ऐसे नहीं लगाना है। अगर उंगलियों से लगा रहे हैं मतलब आपको इसमें कर्व है, उससे आपको ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो इस तरीके से हमको इसको अप्लाई करना है, रोटेट मूवमेंट्स में यहाँ। बहुत सारे लोग सोप लगाते हैं और फौरन वॉश करते, इसका मतलब आपको पूरा उसका फायदा नहीं मिलता है। आपको इस तरह से मसाज करना है, इतना टाइम तो देना जरूरी है, ठीक है। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लोग का ड्राई होता है स्किन क्योंकि लोग पानी कम पीते हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। इस तरीके से रोटेट मूवमेंट्स में हमको इसको यूज करना है, ऐसे लगाना है। जितना आप उंगलियों की हीट से आपके पोर्स ओपन हो गए, और पोर्स ओपन हो गए ये अंदर तक जाके काम करेगा। ये मैडम की पानी कम पीती है, कम पीती हूँ जी, ठीक है। मैं अंतर्यामी हो गया, क्या पहले से अभी ठीक हुआ, लेकिन पानी कम पीती है, पानी और पीना जरूरी है, ठीक है। ये तरीका है हमारा लगाने का। बिफोर आपने पिक्चर ली है, फिर आप जब वॉश करेंगे तब भी आप उनकी पिक्चर देख सकते हो। लेकिन पिंपल्स के लिए आपको आरजीजीएल स्पिरुलिना मोरंजी खाना जरूरी है, ठीक है। जितना पानी पियेंगे उतना डिटॉक्सिफिकेशन होगा, ये पेट की गर्मी की वजह से भी पिंपल्स आते। अभी देखो मैं इनको मसाज करी, मैंने इनको सामने से देखा तो इनके चेहरे पे इतनी पिंपल्स नहीं नजर आ रही, लेकिन जब मैं मसाज कर रही थी मेरी उंगलियों में उनकी पिंपल्स लग रही है, गट्टे गट्टे लग रहे, मतलब वो अंदर से है, एपिडर्मस के अंदर है, ठीक है। तो वो जब ये पोडस खाना शुरू किया, खाती हूँ पोडस कितना, और चाय कॉफी पी रही है। अगर वो आरजीजीएल लेंगी तो दूसरे तीसरे दिन सारे पिंपल्स उसके ऊपर आ जाएंगे। तो ये भी चीज होता है, हमको डरना नहीं है। अगर ऊपर आ गई तो हमको डरना नहीं, इसका मतलब वो एपिडर्मस के अंदर में, डर्मस में है वो, जब वो खाना शुरू किया तो ऊपर उभर के आ गई है, तो हमको डरना नहीं, 4-5 दिन में वो काम डाउन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वैसे लोगों को हमको अच्छे से सोप लगाने देना है और पानी भी ज्यादा पीने बोलना है। ये आरजीजीएल नहीं खाती है, अगर आरजीजीएल खाना शुरू कर दी तो उनको फायदा होना शुरू हो जाएगा। इतना टाइम देना हमको जरूरी है, हमारा हाथ ऐसे नहीं जाना है, हमको इसी तरीके से मसाज करना है। बहुत सारी मैं वीडियोस देखती हूँ, लोग ऐसे मसाज कर देते, इज रॉन्ग। इससे मसाज पाम से करोगे तो आपको जो इफेक्ट इससे आएगा वो उससे नहीं आएगा, तो उंगलियों से ही आपको करना है। उंगलियों से जितना मसाज करोगे उतना आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा, ठीक है। ये ऊपर वाले ने हम लोग को कर्व बना के ही दिया है, वैसे ही हम लोग को उंगलियां दिए, तो इतना टाइम हमको देना जरूरी है। आप अगर पार्लर में अगर ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आपको ये सोप ट्रीटमेंट आप वहीं पर करके उनको दिखाओ, फौरन जब आप वॉश करोगे 15-20 मिनट के बाद उनको पता चलेगा मेरा चेहरा कितना ग्लो हुआ है। पिंपल्स फौरन तो नहीं जाएगी, लेकिन चेहरा ग्लो होगा, पिंपल के जो निशान है वो थोड़े से स्लो डाउन होते जाएंगे, कम कम होते जाएंगे, ठीक है। तो आप ये ट्रीटमेंट पार्लर में भी दे सकते हो, या सोप ट्रीटमेंट बोल के आप सोप दे सकते हो, चलो इसको आप अपने घर में यूज करो। और फिर अगर दाग होता है फेस के जो पिंपल्स ओल्ड के उनका, हाँ, वो मैं बताऊंगा अभी ये होने के बाद, उसका भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो ये वाला आपको ट्रीटमेंट इस तरीके से करना है। आप ऐसे सोप लगाती हो, ऐसी लगाती हो, ऐसी लगा रही हो, हाँ, ठीक है, अभी लगातार लगाओ, कुछ नहीं होने वाला, हाँ।
लगाई तो उसकी पिंपल्स पूरी उभर आई, तो डर के मारे उसने छोड़ दिया, ठीक है, तो छोड़ना नहीं है। और किसने आपको दिया था? आपने काट दिया। अच्छा अच्छा, उन्होंने निकाला, उन्होंने तो उन्होंने आपको ये नहीं बोला डरो मत कंटिन्यू यूज करते रहो? सब नए थे तो उनको किसी ने बताया नहीं। अगर किसी को ये प्रॉब्लम हुआ, पिंपल्स उभर के आ गई तो डरना है। जैसे मैंने अभी उनको कहा कि उभर सकती है, अभी आर्टिफिशियल खाएंगे तो और उभरेंगी उनकी पिंपल, ठीक है। तो हमको डरना नहीं है, सामने वाले को भी डराना नहीं है। आपके अंदर का जो चीजें हैं, कचरा है, वो बाहर निकलेगा। जैसे मैंने कहा ना, आर्टिफिशियल खाने से आपका यूरिन के जरिए निकलेगा, स्टूल के जरिए, कफ और पसीने के जरिए। पसीना इतना आएगा कि आपको लगेगा कि आप नहा के आए हुए। लोगों के कॉल आते हैं, हम खाए तो हमको पसीना इतना आ रहा है कि ऐसा नहा के आए। तो ये सारे डिटॉक्सिफिकेशन, निकलने के लिए कोई जगह चाहिए ना, तो यूरिन के जरिए निकलेगा, पेशाब के जरिए, कफ के जरिए, पसीना कफ के जरिए निकल जाएगा। तो आपका ये सारा ज्यादा निकला तो आपको डरना नहीं। जैसे शुगर पेशेंट को पेशाब ज्यादा होती है तो पेशाब के जरिए उनका शुगर खत्म होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। तो हमको ये डरना नहीं है, ये चीजें हमको लोगों को बोल के देना। अभी ये बेचारे लोग, सारा ग्रुप नहीं आता तो किसी को मालूम नहीं था, तो उसने कुछ दिन के लिए बंद कर दिया, फिर से शुरू कर दिया, ठीक है। तो डरना नहीं है और डराना भी नहीं है लोगों को। लोगों को बताना है, डर भैया आप लोग आंख पे भी लगा सकते हो, ये अभी यहाँ बैठी इसलिए मैंने उनके आंख पे नहीं लगाया, तो आप लोग अच्छे से मसाज कर सकते हो। मेरी बेटी यही सोप यूज करती है। लोग पूछते हैं उससे, तुम क्या यूज करती हो? कि मैं मम्मा का सोप यूज करती हूँ। और ये वाला तरीका मुझे भी नहीं पता था। हमारे पास सोप, जब मैं मेंबर बनी थी तो मैं बोली थी इतना महंगा सोप कैसे यूज करेंगे। मैं भी सोच की अरे ऐसे लगा देते, उठा के रख देती थी, ठीक है। फिर जब मेरे बेटे ने इसको लगाया अच्छे से, क्योंकि मम्मा का फ्री मिल गया उसको, है ना, तो अच्छे से रगड़ रगड़ के लगा था, लगा दिया और छोड़ दिया, कुछ काम करने बैठ गया। तो मैं जब ऑस्ट्रेलिया गई तो मेरे को फोन करके बोला, मम्मा मेरे फ्रेंड्स लोग ने मुझसे सोप मांग रहे। बोले क्यों? तो बोले मैं गोरा भी हो गया, पिंपल्स के दाग, गोरा है वैसे लेकिन और गोरा हो गया, मैं गोरा हो गया, पिंपल्स के दाग मेरे खत्म हो गए, तो मेरे फ्रेंड्स मेरे से मांग रहे। तो उसने 10 सोप सेल किया उसको, मैंने उसको नंबर भेजा, ऑफिस में जब वहां से खरीदो, उसने खरीद के बेचा। तो बेटे के जरिए मुझे पता चला, इसको जब लगा के रखते हैं, छोड़ते हैं, तो उसका इफेक्ट हमको पता चलता है, ठीक है। तो इसको लगा के छोड़ोगे तो ही इफेक्ट आएगा। बहुत सारे लोग लगाते हैं, वॉश कर देते हैं, तो उसका इफेक्ट आपको बताने चलेगा, क्योंकि आप लगा के मतलब आपने अपना पैसा गटर में बहा दिया। तो जिसको भी आपको बोलना है, उसको बोलना है लगाओ, अच्छे से मसाज करो, उसको छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, छोड़ देंगे तो ही उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये तरीका हमारा सोप लगाने का, 15 से 20 मिनट ये बैठे रहेगी। कोई और कंपनी का साबुन यूज करते 15 से 20 मिनट हम छोड़ सकते नहीं, नहीं। क्यों? केमिकल है, स्किन खराब होगा, रैशेज आएंगे, खुजली आएंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन हमारा सोप हम लगा के बिठाएंगे तो भी उनको कुछ नहीं होगा ज्यादा। कुछ लेडीज बोलती है हम पूरी रात छोड़ते, पूरी रात छोड़ने की जरूरत नहीं, 15 से 20 मिनट इतना, उतना टाइम जितना अंदर जाते। जो मैंने मसाज किया तो मेरे हाथ की गर्मी से उनके पोर्स ओपन हो गए और ये अंदर तक जाके काम करना शुरू होता है, क्योंकि इसमें गैनोडर्मा है। गैनोडर्मा स्किन को ग्लो करता है और अंदर के टॉक्सिन से उसको निकालता है, ठीक है। तो ये थोड़ा 15 से 20 मिनट बैठेंगी, तब तक हम लोग दूसरा और ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। फिर आप वॉश करते नहीं, नहीं अभी बैठा, मतलब पैसे जमा में चाहिए तो बैठ बैठ जाओ, वो देखो चेयर है वहां पर ले लो, इधर वो चेयर लेके आओ। ठीक है, तो अभी हम लोग एक पिगमेंटेशन का भी ट्रीटमेंट करेंगे। मुझे कोई पिगमेंटेशन वाली लेनी चाहिए जिसके मुंह पे पिगमेंटेशन हो।